आज हम MIM पार्टी की तरफ से हम कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद जनाब अंजनी कुमार साहब से मुलाकात की, जिसमें मैं बहसत रुकन पार्लियामान और सदर मजलिस और तमाम अराकीन असम्बली, अराकीन कानून साज काउंसिल, कमिश्नर पुलिस से मिले और हमने उनसे नुमाइंदगी की कि साबिका उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उस शख्स ने एक किताब लिखी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना भी उस किताब में जो लिखा गया है, झूठ और नाज़ेबा अल्फाज और बकवास गंदगी उस किताब में भरी हुई है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हमने उस किताब के बाद इख्तसाबात भी कमिश्नर पुलिस को रिप्रेजेंटेशन में दिए। हमने इस बात का मुतालबा किया कि इस शख्स के खिलाफ 153A, 153B, 295A, 504 और 505 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सी और YPC में केस बुक किया जाए और कमिश्नर पुलिस ने हमको तयकुन दिया है कि फौरन इन पर हैदराबाद में क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की हुकूमत क्रिमिनल केस बुक करने के बाद इस शख्स को गिरफ्तार भी करेगी, क्योंकि इस तरह की वाहियात अनाप शनाप बकवास गंदगी लिखना, ये सिर्फ मुसलमानों को मुश्तैल करना, उनको प्रोवोकेट करना और ये शख्स मुस्लिम दुश्मन ताकतों का एक आलाकार बनकर ये हरकतें कर रहा। टुडे वी हैव मेट द कमिश्नर ऑफ पुलिस, MIM पार्टी MLAs, MLCs एंड माई सेल्फ, वी हैव रिप्रेजेंटेड टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद श्री अंजनी कुमार दैट स्ट्रॉन्ग एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द एक्स शिया वक्फ बोर्ड UP चेयरमैन हु हैज़ रिटन अ बुक इन विच ऑब्जेक्शनेबल लाइज फॉल्सहुड हैज़ बीन रिटन अबाउट आर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड वी हैव रिक्वेस्टेड द कमिश्नर ऑफ पुलिस, वी हैव गिवन हिम द एक्सेप्ट्स ऑफ दैट बुक इन विच ऑल दिस लाइज एंड फॉल्सहुड हैज़ बीन रिटन एंड इट क्लियरली अट्रैक्ट्स IPC सेक्शन ऑफ 153A, 153B, 295, 504 एंड 505 ऑफ IPC. The Commissioner of Police have requested us, has assured us that a criminal case will be booked against this person. And this book has been written to provoke the Muslims, to provoke the Muslims to come out on streets, to provoke the